इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले सेल ऑफ गुड्स ऑफ यूनिट 3 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन डिलीवरी। मेनली इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है, क्या सिचुएशन में होता है एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स किस किस कंडीशन में होते हैं या फिर उसके क्या मतलब होते हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पे मेरे को पढ़ना क्यों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका रीजन क्यों है, पढ़ना क्या है ये तो हमारे मॉड्यूल में दिया है, बस क्यों पढ़ना है ये मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब हमें इसलिए पढ़ना है बिकॉज ओनरशिप फॉलो करता है, रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप करेगा ओनरशिप रहेगा उसी के पास रिस्क रहेगा, जो किसी गुड्स का मालिक होगा वही उस रिस्क को बियर करेगा उसके गुड्स का। ओके, वन इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 18 से 26, पहले भी हम लोग कवर करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में दिया है सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। सेल ऑफ गुड्स में क्या इन्वॉल्व रहता है कि ये हम लोग वन में हमने पढ़ा था, ओनरशिप ट्रांसफर होता है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है सेलर से बायर में, सेलर मतलब ही वही होता है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है इमीडिएटली सेलर से बायर के पास, लेकिन ये एसेंशियल है डिटरमाइन कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, किस समय हम लोग कॉन्टेक्ट करते वक्त किस टाइम हम मानेंगे कि हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, अब ये रिस्क मेरा नहीं ये रिस्क बायर का है। सो ये 18 से 26 सेक्शन हमें बताता है कि हम किस समय हम ये मानेंगे कि हमारा गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया सेलर से बायर के पास। ओके, जनरल रूल तो ये बोलता है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, रिस्क जो होता है प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तभी रिस्क ट्रांसफर होता है। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, जहां पे गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, बर्डन ऑफ लॉस विल बी बॉर्न बाय द पर्सन हु इज द ओनर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। जब लॉस होता है कोई भी उसको कौन बर्न करेगा, कौन उसको बॉर्न करेगा, जो ओनर करेगा जो उस टाइम गुड्स का मालिक होगा। वेयर द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, जब गुड्स किसी सेलर या बायर के फॉल्ट की वजह से नहीं एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी के फॉल्ट की वजह से डैमेज होगा, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन, जो ओनर होगा वो उस टाइम एक्शन लेगा। ओके, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पासिस होता है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स इन द लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड द बायर्स। ओके, पासिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप, इफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर द रिस्क इन द गुड्स सोल इज दैट ऑफ द बायर नॉट ऑफ सेलर। जब प्रॉपर्टी पास्ड हो जाता है सेलर से बायर के पास तो रिस्क सेलर का नहीं होता है बायर का होता है, तो द गुड्स में स्टिल बी इन द सेलर पोजिशन। यदि प्रॉपर्टी पासिस हो जाता है बायर के पास, चाहे वो उसका पोजिशन सेलर के पास ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसका जो रिस्क होता है वो बायर का होगा। ओके, कुछ यहाँ पे केसेस है, कुछ गुड्स है जहाँ पे हमारा पोजिशन से ट्रांसफर होगा। प्रॉपर्टी है एक स्पेसिफिक एंड अनसर्टेन गुड्स, पासिंग ऑन अनअसर्टेन गुड्स, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। पहला है हम लोग पढ़ना है कि असर्टेन गुड्स जब रहता है, जब गुड्स असर्टेन क्या रहता है, पहले से भी असर्टेन कर लिए कॉन्टेक्ट करते वक्त हम जब गुड्स असर्टेन कर लेते तब हम कब मानेंगे कि हमारा प्रॉपर्टी से ट्रांसफर होगा। ऐसे केस में जब हम लोग जिस टाइम कॉन्टेक्ट करते हैं, जब सेलर ट्रांसफर करने के लिए गुड्स को पोजिशन ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाता है तब हम मानेंगे कि हमारा कॉन्टेक्ट वो ओनरशिप हमारा ट्रांसफर हो गया। वेयर देयर इज ए कॉन्टेक्ट, जहां पे वेयर देयर इज ए कॉन्टेक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक और अनअसर्टेन गुड्स, सॉरी असर्टेन गुड्स, जहां पे कॉन्टेक्ट है स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स का, द प्रॉपर्टी इन देम इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम्स एज द पार्टी टू कॉन्टेक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर। ऐसे टाइम में जब कॉन्टेक्ट हो रहा है गुड्स कौन सा असर्टेन गुड्स, प्रॉपर्टी इन देम ट्रांसफर टू द बायर सच टाइम पार्टी टू द कॉन्टेक्ट इन देम, पार्टी बायर एंड सेलर दोनों अपने एक प्राइस और एक गुड्स ट्रांसफर करने के लिए राजी है, वो दोनों रेडी है, तब हम बोलेंगे गुड्स हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। ओके, और इस केस में भी क्या है स्टेट्स ऑफ गुड्स बाय पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स का स्टेटस क्या है कि मान लो वो डिलीवरी स्टेट में है कि नहीं है, कि उन्हें कुछ डिलीवरी स्टेट में लाना पड़ेगा या फिर उन्हें डिलीवरी स्टेट करने के लिए उसे कुछ मेजर्स बाकी करना। ओके, तो फर्स्टली केस है सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरी स्टेट, जब स्पेसिफिक गुड्स हमारा डिलीवरी स्टेट में है तब क्या होगा।
When there is an unconditional contract for the sale of specific goods, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे only वाले स्पेसिफिक गुड्स है वो भी deliverable state में है. The property in the goods passes to the buyer when the contract is made. जब contract made हो रहा है, जब contract बन रहा है दोनों के बीच, तभी उसको ownership transfer हो जा रहा है. And it is immaterial whether the time of payment of the price or time of delivery of the goods both is postponed. यहाँ पे कोई मतलब नहीं. मान लो हम किसी शॉप में जा रहे हैं और मुझे सैमसंग का फोन चाहिए, मैं सैमसंग का फोन वहाँ पे उसके दुकान में अवेलेबल है, मैं उसको कॉन्टेक्ट करी, हाँ मुझे ये चाहिए, बिल बन गया, चाहे मैं उसे पैसा दूँ चाहे वो मुझे फोन दे या नहीं, वो फोन मेरा हो गया, वो फोन साइड में रख दिया, बस वो फोन मेरा है, उन्हें सिर्फ ट्रांसफर हो गया. स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट. स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में पुट करना बाकी है, लेकिन इस वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स एंड सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट. The property does not pass until जब तक वो गुड्स delivery state पे नहीं हो जाता है, buyer को उसका नोटिस नहीं दे दिया जाता, तब तक वो ownership transfer नहीं होता है. Where there is a contract for the sale of the specific goods and the seller is bound to do something to the goods. Seller को कुछ करना है उस गुड्स के साथ, उसको delivery state में लाने के लिए, ठीक है. द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होता है जब तक कि बायर को नोटिस नहीं दिया जा रहा और वो थिंग को डन नहीं कर दिया जाता, वो प्रॉपर्टी वो बायर कुछ ऐसा नहीं कर ले रहा है उसके साथ. इफ केस हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स वाई, एक्स इससे ये बायर है एंड ये सेलर है, ओके. इससे ये वेट खरीद रहे 10 kg और इसको ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसे 1 kg का 10 bags चाहिए, ओके. एंड सेलर के पास, सेलर 10 kg को अलग कर दिया, ओके, इसको अलग कर दिया, बट ये 1 kg का 10 ये अभी तक नहीं किया है, ओके. ये इसको अलग सेपरेट नहीं किया, ओके. यहाँ पे अभी तक ये गुड ट्रांसफर, यहाँ पे ओनरशिप, अब इस केस में, फर्स्टली केस में ये ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है. यहाँ पे ओनरशिप सेलर से बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुआ. इन सेकेंड केस जब ये वाला इसको बोल रहा है कि हाँ मुझे 10 kg वेट चाहिए, लेकिन 10 kg में अलग अलग चाहिए, 1 kg उस हमें 10 bag चाहिए. सेलर इसको 1 kg में सेपरेट कर दे रहा है 10 bag में, ओके, ठीक है. सेपरेट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओनरशिप इस यहाँ पे तो नहीं हुआ था, इस कंडीशन में हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा. बट एक केस और है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा, जब ये बायर के पास, एक्स के पास नोटिस पहुंचा देगा कि मुझे कि आपका गेहूं अलग अलग हो गया, मैंने आपकी जैसा आपने बोला था उस कंडीशन में मैंने उसे कर दिया. नोटिस जब तक जाएगा तब तक होगा. इस केस में भी नहीं गया, सेपरेट हो गया तब भी नहीं गया, लेकिन कब जाएगा, जब सेपरेट भी हो गया और नोटिस भी कर दिया. इस दो, जब ये दोनों केस सिमिलर होगा तब ओनरशिप हमारा ट्रांसफर होगा, ओके. थर्ड बोलता है स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट बट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग. यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, जैसा वो बोला था वैसा कर दिया है, लेकिन सेलर को उसको प्राइस मेजर करने के लिए कुछ करना बाकी है. ऐसा अधिकतर सोना चांदी के केस में होता है, गोल्ड के केस में होता है. गोल्ड क्या होता है, गोल्ड का ऑलवेज प्राइस अप डाउन होते रहता है, तो इसके वजह से उसे मेजर करना पड़ता है मार्केट प्राइस से, उसे मैच करना पड़ता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है. वैसे तो जानते नहीं, तब भी कुछ मान लो रेट हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके कारण से हमें मेजर करने पड़ते हैं कि नहीं
इतना है, तो उसे मेजर करना बाकी, उसका वेट लेना बाकी, उसे पॉलिश कुछ कुछ करना उसमें बाकी ही है, टेस्ट करना है कि उसका क्वालिटी, उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, टोटल 24 कैरेट का है कि नहीं, कुछ करना बाकी नहीं होता जब तक उसका भी नोटिस तब तक मैडम को नहीं पहुंचा दिया जाता। वो सब करने के बाद तब तक हमारा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। मेन जब हमारा यहाँ पे सब काम हो जाता है कि हम उसको डिलीवरी स्टेट में भी हम मेजर भी कर लिया और बाहर के पास नोटिस भी पहुंचा दिए, देन हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, वेयर देयर इज कॉन्टेक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरी स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वेट मेजर और टेस्ट और टू सम अदर एक्ट और थिंग विथ रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द प्राइस। सेलर बाउंड है वेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कुछ अदर एक्ट जो उसके मेजर प्राइस को मेजर करने के लिए बस बाकी है। द प्रॉपर्टी दैट नॉट पास अंटिल, यहाँ पे प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगा सच एक्ट थिंग डन बाय टू नोटिस ऑफ। ठीक है, इसका केस आप जो सेकंड नंबर का इस एग्जांपल से आपको ये ध्यान रहेगा, ये टॉपिक है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि राम है वो सीताराम शॉप में जा रहा है। ओके, उसे रिंग लेना है अपनी वाइफ के लिए, उसे रिंग खरीदना है। ओके, उसे रिंग लेना है अपने वाइफ के लिए, वो जा रहा है उस दुकान में एंड उसे बोल रहा है कि रिंग चाहिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसका ओनर क्या कर रहा है, रिंग निकाल के भी रख दे रहा है अलग में और उसको पॉलिश वॉलिश सब कर दे रहा है, लेकिन बाद में उसका अप डाउन हो रहा है तो उसे वो बोल रहा है कि नहीं मुझे इसको वेट करना बाकी है एंड इसको मार्केट से बस मैच करना है, प्राइस इसको डिटरमाइन करना है, प्राइस डिटरमाइन करना बाकी है अभी। ओके, देन यहाँ पे जब ये तीनों चीज फुलफिल हो जाएगा एंड ये इसको राम को नोटिस से पहुंचा दे रहा है कि हाँ आपका सब कुछ हो गया, तब यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होगा। यदि राम रिंग लेने जा रहा है सीताराम हाउस में एंड वहां पे उससे रिंग ले लिया और ओनर ने भी रिंग लेके अलग रख दिया, लेकिन उसे वेट करना बाकी है एंड प्राइस उसका डिटेक्ट करना बाकी है। देन उसका जब वो दोनों, जब सीताराम जो ओनर है वेट को वेट मेजर कर ले रहा है, प्राइस भी डिटरमाइन कर ले रहा है, उसको नोटिस भी दे दे रहा है, ये सारा कंडीशन और इस कंडीशन को फॉलो कर ले रहा है, तब हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, हमारा जैसे ए में था कि प्रॉपर्टी असर्टेन गुड्स का, यहाँ पे सेकंड नंबर में गुड्स मस्ट बी असर्टेन, सेकंड फर्स्ट थिंग की गुड्स जब अनअसर्टेन रहेगा तब तक तो ओनरशिप ट्रांसफर करने का कोई सवाल ही नहीं है। मस्टली ये होना चाहिए कि हमारा गुड्स अनसर्टेन हो ही नहीं सकता, हम ओनरशिप अनसर्टेन गुड्स का ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, पहले उसको असर्टेन करना ही पड़ेगा। सेक्शन 18 यही बोलता है बस, ओनली वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द अनअसर्टेन गुड्स, जहाँ पे कॉन्टेक्ट किसका है, स्पेसिफिक या असर्टेन का नहीं है, अनअसर्टेन गुड्स का, तो नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, कोई भी प्रॉपर्टी गुड्स का ट्रांसफर बायर के पास नहीं होगा जब तक कि उस गुड्स को असर्टेन नहीं किया जा सकता। सत्य यही बोलता है कि अनअसर्टेन गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि वो गुड्स असर्टेन नहीं हो जाए। ओके, अ सेल ऑफ द अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन और डिलीवरी टू द कैरियर। ठीक है, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 यहाँ पे बात कर रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्टेक्ट फॉर द सेल ऑफ द अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, जहाँ पे कॉन्टेक्ट इसका है फ्यूचर गुड्स का या अनअसर्टेन गुड्स का, बाय डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे सेलर डिस्क्रिप्शन के द्वारा बेच रहा है एंड द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन डिलीवरी स्टेट आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आइदर बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयर अपॉन पासेस टू द बायर, सच असेंट मे बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेल ऑफ द अनसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन अ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड बायर, सेलर एंड बायर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से जहाँ पे गुड्स का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल्स क्या होना चाहिए इसके बारे में डिटरमाइन कर रहा है कि इस दोनों के बीच में इस कॉन्टेक्ट में एसेंशियल्स क्या होना चाहिए। ओके,
फर्स्टली बोल रहा है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स का ही होना चाहिए तभी तो हम लोग उसको अनसर्टेन करेंगे. सेकंड द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी स्टेट इन द कॉन्ट्रैक्ट. द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और क्वालिटी उसका कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, बताया गया होना चाहिए. द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरी स्टेट, गुड्स को डिलीवरी स्टेट में होना चाहिए. The goods must be unconditionally appropriated to the contract, either by delivered to the buyer or agent or the carrier. कोई भी conditional नहीं हो, बस उसको buyer को चाहे उसके carrier को भी दे दिया गया हो. The appropriation must be made by seller with the assent of the buyer, या फिर seller के assent से या फिर buyer के assent से. The assent may be expressed or implied. Assent चाहे वो expressly दिया सकता हो या फिर implied भी. This is may be given either before or after appropriation. Okay. Section 24 में बोलता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न. गुड्स सेल और अप्रूवल, जब हम गुड्स को बेचते हैं अप्रूवल बेसिस में, हम बेच नहीं रहे हाँ गुड्स बेचते, चाहे वो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं नहीं एक्सेप्ट करते, आप उसको रिजनेबल टाइम के अंदर हमें वापस करवा दीजिए, उस बेसिस पे जब हम बेचते तब हम कब मानेंगे कि हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया. When goods are, जब गुड्स डिलीवर हम लोग करते हैं कि हाँ किसी बंदे को हम लोग दे दिए कि वो बेच वो खरीद रहा है नहीं वो बाद में डिसाइड होगा, बस हम उसको दे दे रहे हैं अभी, तो उस कंडीशन में हम कब मानेंगे कि हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया. पहला कि आप खुद सोचो कि इस ऐसा क्या कंडीशन होगा कि मान लेंगे कि हमारा ओनरशिप. फर्स्टली हम ये सोच सकते हैं कि जब उसने खुद से अपना एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ सामने से आके बोल दिया कि मुझे भाई ये मुझे चाहिए, मैं इस गुड को रख रहा हूँ, ओके आप मुझे इसके पैसे ले लो, तो एक फर्स्ट कंडीशन. सेकेंडली क्या कर रहा है कि वो गुड्स मेरा है मुझसे लिया है लेकिन मुझसे बिना पूछे वो किसी और को सेल कर दे रहा है, देन मैं क्या समझूंगी कि उसने मुझे मुझसे गुड्स खरीद लिया है देन वो उसने किसी और को बेच दिया. सेकेंड कंडीशन ये, या फिर वो कुछ ऐसा कर दे रहा है गुड्स के साथ जो नहीं करना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू, या फिर वो खुद ही रख ले रहा है. ठीक है, एक तो ऐसा कर लिया कि हाँ जिसको नहीं करना चाहिए वो सेल कर दे रहा है, फिर किसी को लोन में दे दे रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके जो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो मेरा गुड्स था, लेकिन उसने उसको उसको अपना समझा कि उसने सोचा कि मैं जिससे लिया मैं उसको पैसा दे दूंगा ये गुड्स मेरा हो गया, अब मैं किसी और को सेल कर दे रहा हूँ किससे मेरा भी प्रॉफिट हुआ. एंड देन थर्ड, या फिर वो जब तक रीजनेबल टाइम था मैंने 1 मंथ का उसको क्रेडिट पीरियड दिया था, बस उसने उस पीरियड के अंदर मुझे रिटर्न नहीं किया एंड 2 मंथ हो गए 3 मंथ हो गए उसने अभी तक रिटर्न किया, तो मैं क्या मानूंगी कि उसने रख लिया ये गुड्स उसको पसंद आ गया ये उसने ही रख लिया. 3 कंडीशन है जहाँ पे मानेंगे कि हमारा ओनरशिप कब कब ट्रांसफर हुआ. एक तब हमारा मॉड्यूल भी ऐसे बोलता है, एक मॉड्यूल पढ़ते हैं. वेन गुड्स आर डिलीवर टू द बायर अप्रूवल और सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म्स, चाहे वो अप्रूवल पे बेसिस पे चाहे रिटर्न के बेसिस पे हम बेच रहे हैं पे कोई भी अदर सिमिलर टर्म्स में, तो हम कब मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है. वेन उसने अपना अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दे दिया सेलर को, जब उसने अपना अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दे दिया सेलर को, या फिर कोई भी अदर एक्ट कर रहा है जो अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन हुआ. इफ इट इज नॉट सिग्निफाइज इज अप्रूवल, उसने अपना अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं दिया बट गुड को रख लिया अपने पास, कोई भी विदाउट नोटिस दे कि उसने रखना है या नहीं रखना है, बस गुड्स को अपने पास वो रखा हुआ है और टाइम फिक्स था लेकिन, और उस टाइम को फिक्स का एक्सपायरी हो चुका है, जो टाइम फिक्स था वो एक्सपायर हो चुका है एंड तब तक उसने रिटर्न नहीं किया ना तो कोई जवाब नहीं है. इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द रीजनेबल टाइम, जब वो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जा रहा है, मान लो कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ है लेकिन वो रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जा रहा है, या फिर जो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है वो एक्सपायर हो जा रहा है, दोनों के एक्सपायर टाइम पे ये माना जाएगा कि हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, उसने गुड्स रख लिया. थर्ड क्या है, ही डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेप्टिंग गुड्स, ऐसा कुछ कर रहा है गुड्स के साथ जो इक्विवेलेंट है, मतलब माना जाएगा कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ ही प्लेज या सेल्स, किसी को लोन दे दे रहा है किसी को सेल्स कर दे रहा है, तो क्या माना जाएगा कि गुड्स उसे रख लिया. इस 3 कंडीशन में माना जाएगा कि सेंट और अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा. ओके, सेल फॉर कैश ऑनली रिटर्न, जब सेल किया जा रहा है ये नहीं कि तुम गुड्स को कुछ भी कर दोगे, जब तक कैश और रिटर्न बेसिस पे, कैश दो या फिर रिटर्न करो, इस बेसिस में जब सेल कर रहे हैं तब क्या होगा. इट मे बी नोटेड दैट द वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय ए पर्सन और सेल और रिटर्न बेसिस, तम वही है सेल और रिटर्न, बट कंडीशन इसमें अलाउ क्या है कि तुम उसको बेचो उस नहीं तुम उसको रखो तो कैश दो या फिर रिटर्न करो, 2 कंडीशन है. इफ मे बी नोटेड दैट द वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय ए पर्सन और सेल और रिटर्न
ऑन द टर्म्स दैट द गुड्स वेयर टू रिमेन द प्रॉपर्टी, कि एक टर्म क्या है यहाँ पे, कि गुड्स के सेलर के पास ही वो प्रॉपर्टी रिमेन रह जाएगा टिल दे आर पेड फॉर, जब तक बायर उसके लिए पेड नहीं करेगा। ऑन द टर्म्स दैट द गुड्स वेयर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर, वो सेलर क्या ही प्रॉपर्टी रहेगा जब तक कि उसके लिए वो पेड नहीं करेगा। द प्रॉपर्टी देयर डज नॉट पास टू द बायर अंटिल, प्रॉपर्टी पास नहीं होगा अंटिल द टर्म्स आर कम्प्लाइड विद कैश इज पेड फॉर, कैश जब तक उसके लिए पेड नहीं होगा। ओके सेकेंड है, जैसे हमने ए करा अनसर्टेन गुड्स का, बी करा अनसर्टेन गुड्स का, सी करा गुड्स अनसर्टेन अप्रूवल बेसिस का, एंड डी है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ओके वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेलर द स्पेसिफिक गुड्स, वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर मे बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन रिजर्व द राइट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जहाँ पे राइट ऑफ डिस्पोजल वो अपना लेके रिजर्व कर लियो, राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है कि जब वो गुड्स सब कैरियर को दे रहा है या फिर किसी एजेंट अपने किसी कैरियर को दे रहा है फिर रेलवे को दे रहा है कि हाँ बायर तक पहुंचाने के लिए, ये बोल के दे रहा है कि जब तब तक पैसा ना मिल जाए तब तक उस गुड्स को उसके पास मत उतारना, तो ये वो रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ द डिस्पोजल। ठीक है, ऐसा कुछ यदि कॉन्ट्रैक्ट में रह रहा है कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स, यहाँ पे गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक गुड्स का, एंड सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंटिल, तब तक उसको रखेगा जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए, जैसे पैसा पेमेंट मिल जाए कोई अदर कोई कंडीशन है तब तक वो फुलफिल नहीं हो जाएगा, तब तक वो राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास ही रखेगा, उस गुड्स को उसके पास नहीं उतारेगा। इन सच केस Not withstanding the delivery of the goods to a buyer or carrier to other bailee or for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not passes to the buyer. Property उसके पास buyer नहीं होगा, buyer के पास property transfer नहीं होगा तब तक कि वो condition को fulfill नहीं करता क्योंकि वो reservation of right अपने पास रखा हुआ है। Okay? Same चीज ही है बस goods और railway administration के लिए। When goods are shipped और delivered to the railway administration, वहाँ पे कैरेज के लिए था कि वो किसी बेली को दे दे रहा है, यहाँ पे क्या कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा है। अब यहाँ पे भी जो रेलवे बाय द बिल ऑफ लैडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट है एज द केस में भी द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर एजेंट की उसके सेलर के ऑर्डर पे या फिर सेलर के एजेंट जो भी इसको सेल कर रहा है द सेलर इज प्राइम ऑफ सिटीम टू बी रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। यहाँ पे भी उसी कंडीशन पे होगा जैसे उस कंडीशन पे होता है कि यदि सेलर उसको उसको बोला हुआ है कि नहीं कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि जब तक ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो जाए तब तक उसे ट्रांसफर नहीं करना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, इसी कंडीशन पर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। व्हेन द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉस ऑन द बायर ऑफ द प्राइस फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज टूगेदर विद द बिल ऑफ लैडिंग एज द केस मे बी द रेलवे रिसीप्ट ऑफ सिक्योर एक्सेप्टेंस और द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लैडिंग और द रेलवे रिसीप्ट इफ ही डज नॉट ओनर द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके If he wrongfully retains the bill of lading or the railway receipt, the property in the goods does not pass to him. Okay? यहाँ पे सेक्शन 26 है जो इस बार पूछा भी था जुलाई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 बोल रहा है रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, हमने पहले भी देखा था कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ पास होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक कुछ कहा ना जाए द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क, गुड्स सेलर की रिस्क पे ही होता है जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाए तब तक वो सेलर के रिस्क पे ही गुड्स रहता है। बट वेन द प्रॉपर्टी देर इन ट्रांसफर टू द बायर, बट जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए बायर के पास द गुड्स आर एट द बायर रिस्क, गुड्स बायर के रिस्क पे होते हैं वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड, डिलीवरी हुआ हो या नहीं हुआ प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ओके वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ आइदर बायर, या तो कुछ इसका है एक्सेप्शंस ही है, वेयर डिलीवरी हैज बीन डिले थ्रू बायर और द सेलर, किसी के भी गलती की वजह से डिलीवरी डिले हुआ है द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट एज रिगार्ड एनी लॉस माइट, जिसके वजह से ये डिफॉल्ट हो रहा है ये लॉस हो रहा है
चाहे वो किसी का गलती हो या ना हो, कि वो तो होता नहीं, किसी गलती की वजह से हुआ तभी हुआ है, तो वो उस वो बियर करेगा वो लॉस। ओके, सेलर एंड बायर दोनों में से किसी एक की गलती की वजह से हुआ है, मान लो यदि कोई गलती नहीं करता तो डिलीवर ये गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है दोनों किसी गलती की वजह से, तो जिसका गलती है वही उसको बियर करेगा, ये इसका एक्सेप्शंस है। Provided also that nothing in this section shall affect the duty or liabilities of either seller. ये जो risk payment policy है इसमें seller और buyer का कोई duty यहाँ पे affect नहीं होगा, जैसे था duty वैसे ही रहेगा, same ही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। General rule is that कि unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein transferred to the buyer. जब तक कि property transfer नहीं हो जा रहा तब तक कि वो सेलर की रिस्क पे रहेगा, बट व्हेन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा द गुड्स एट द बायर रिस्क व्हेन डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। ओके, हाउएवर सेक्शन 26 आल्सो लेज डाउन एक्सेप्शन, यहाँ पे मैंने कहा था ना आपसे ये एक्सेप्शंस है, विच वही एक्सेप्शंस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि सेक्शन 26 आल्सो लेज डाउन एक्सेप्शन टू रिस्क फॉलो ओनरशिप, इट प्रोवाइड दैट वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन डिले थ्रू द फॉल्ट और आइदर बायर और सेलर, the goods are at the risk of the party in fault as regard any loss which might not have occurred but for such fault. हुआ वो अगर नहीं होना चाहिए था बट वो हुआ, ठीक है। Risk prima facie passes with the ownership. The owner of goods must bear the loss or damage of the goods. The owner of the goods must bear the loss. जो goods का owner होगा वो loss को bear करेगा, damage को bear करेगा unless जब तक कि unless otherwise agrees. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 रूल्स ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट, अनलेस अदरवाइज, सेम चीज यहाँ पे बस बोला गया है, एग्जाम्पल्स भी है, सेम ही सेम एग्जाम्पल्स है। आफ्टर ए बिड्स फॉर एंटिक पेंटिंग, ए बिड्स, कोई बिड्स चल रहा है एंटिक पेंटिंग का, ठीक है, ऑक्शन में, आफ्टर द बिड व्हेन द ऑक्शनर स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड, जब वो हैमर फॉल कर रहा है कि एक्सेप्टेंस करने के लिए, ही हिट द एंटिक विच गेट्स डैमेज, क्या हो रहा है कि वो एंटिक पेंटिंग उससे डैमेज हो जा रहा है, द लॉस विल हैव टू बी द बॉर्न बाय द सेलर, बिकॉज यहाँ पे जब तक वो हैमर फॉल नहीं हो जाता तब तक वो ट्रांसफर नहीं होता बायर के पास, प्रॉपर्टी यहाँ पे कब ट्रांसफर होता है, जब तक वो बायर के पास नहीं जाता कुछ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हुआ नहीं तो यहाँ पे सेलर ही वो जिसको लॉस को बियर करेगा। ओके, सेकेंड केस है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेक्शन 27 से 30 बोलता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, जो पर्सन सेलर खुद ओनर नहीं वो कैसे सेल करेगा, यही इसके बारे में बता रहा है कि किस कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो ओनर नहीं है तभी वो सेल कर सकता है, वहां पे बायर को बोनाफाइड राइट मिलता है, वो उसका रियल में हकदार होता है कि वो सच में वो ट्रू ओनर बन जाता है, कुछ जनरली तो ये होता है कि नहीं, जो उसके पास खुद राइट नहीं है तो वो बायर को कैसे राइट देगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस पॉइंट के। तो सेक्शन 27 हम लोग का बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन, यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया जाए एक पर्सन के द्वारा, हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ, जो ओनर नहीं है उसका, हु डज नॉट सेल देम, वो उसे सेल नहीं कर सकता अंडर द अथॉरिटी, जो उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, उसके पास वो पावर ही नहीं है, एंड वो मान लो वो एजेंट है, ठीक है, और उसको ओनर का अपना कंसेंट नहीं मिला हुआ है, देन वो सेल कर रहा है, वो नहीं कर सकता है, द बायर नॉट एक्वायर बेटर टाइटल, बायर बेटर टाइटल एक्वायर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद जो सेलर बेचा वो खुद ही उसका नहीं था, तो वो बायर कहां से उसका ओनर बन जाएगा, ठीक है। सेम चीजें यहाँ, इन जनरल द सेलर सेल्स ओनली सच गुड्स, सेलर वैसे ही वही गुड्स को सेल कर सकता है विच ही इज द एब्सोल्यूट ओनर, जिसका वो एब्सोल्यूट ओनर हो, बट समटाइम्स ए पर्सन में सेल गुड्स ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर, कुछ टाइम होता है कि पर्सन को सेल को गुड्स कर देते हैं, गुड्स को सेल कर देते हैं जिसके वो खुद ओनर नहीं होते, देन द पर्सन अराइजेस, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बायर, कि बायर का पोजीशन क्या होगा यहाँ पे, बायर क्या वो गुड बेटर टाइटल एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा, बायर उसके लिए प्राइस देगा या नहीं देगा, ठीक है। इन जनरल दैट सेलर सेल्स ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज द एब्सोल्यूट ओनर, बट समटाइम्स ए पर्सन मे सेल गुड्स ऑफ विच इज नॉट द ओनर, देन द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बायर हु हैज बॉट द गुड्स बाय पेइंग नोटिस,
The general rule is regarding the transfer of title that the seller cannot transfer to the buyer. The seller cannot transfer to buyer to goods a better title than himself has. जो उसके पास खुद ही नहीं है वो कैसे करेगा? If the seller is not the owner of the goods, then the buyer also will not become the owner. तो buyer भी goods का owner नहीं बनेगा. The title of the buyer shall be same as that of the seller. जो buyer का जो seller का title था वही buyer का title होगा, इसे non owner. The rule is expressed in the Latin maximum Nemo dat quae non habet. Nemo dat quae non habet. ये बहुत important है, इसको स्पेसिफिक में इसको इंक्लूड करिए, बिकॉज एग्जाम्पल आप जो रिवाइज करना. विच मीन्स दैट नो वन कैन गिव वॉट ही हैज नॉट गॉट. जो उसके पास खुद ही नहीं वो दूसरे को क्या देगा, यही इसका मतलब होता है नमो दैट पर्टन हैबिट का. तो कुछ एक्सेप्शंस में बात कर ली थी कि कुछ एक्सेप्शन थे जहाँ पे वो खुद ओनर नहीं है तभी वो बेटर टाइटल बायर को एक्वायर करवा सकता है. फर्स्ट है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. वो एजेंट है किसी ओनर का, ओनर की कंसेंट से वो यदि बेच रहा है तो वो तो बायर वो गुड टाइटल वो एक्वायर करेगा. पढ़ते हैं इसको डिटेल में. एक टॉपिक है इसके, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स, सेल बाय पर्सन इन पोजिशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूस इन पोजिशन देयर ऑफ, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजिशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, सेल बाय अनपेड सेलर, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट. ओके, इसको कवर करने के बाद ये लास्ट टॉपिक है यूनिट का, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी. यहाँ पे डिलीवरी के बारे में कुछ टर्म दिया हुआ है. ओके, पहले इसको हम लोग कवर करते हैं. सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, इस सेल में इफ मर्केंटाइल एजेंट सेल कर रहा है किस चीज को, ठीक है, उसके पास वो राइट भी है, ठीक है, और ठीक है, सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स विद पास ए गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. यदि मर्केंटाइल एजेंट वो सेल कर रहा है किसी गुड्स को बायर के पास, कुछ कंडीशन पे ही वो गुड टाइटल बायर के पास होगा. फर्स्ट कंडीशन क्या है, ही वाज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, उसके पास उसका गुड्स का पोजीशन होना चाहिए. ओनर, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ओनर का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है. फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओनर का कंसेंट से यदि वो सेल कर रहा है तब तो उसको गुड टाइटल मिल जाएगा. ओके, सेकेंड, इफ द सेल वॉज मेड बाई हिम वेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एज ए मर्केंटाइल एजेंट, कि वो ऑर्डिनरी कोर्स जो उसका काम है सेलना बेचना खरीदना, उस ऑर्डिनरी कोर्स में वो काम कर रहा है तब भी वो बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा. तीन कंडीशन साथ में फॉलो करना चाहिए, ना कि वन बाई वन, तीनों कंडीशन कंबाइन में फॉलो होना चाहिए. पोजिशन ऑफ द ओनर, फर्स्टली वेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, इफ द बायर हैव एक्टेड इन गुड फेथ, बायर तो उसमें बिलीव कर रहा है कि हाँ ये है, एज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, यदि वो नहीं जानता है सेल, यदि वो एक मान लो कोई बायर है यदि उससे कुछ खरीद रहा है एजेंट से, कि वो जानता है कि उसको और नहीं जानता है कि उसको अथॉरिटी टू सेल है, वो उसके पास में कोई नोटिस नहीं है, तो वो क्या होगा, वो तभी वो गुड टाइटल एक्वायर कर लेगा. ओके, सेकेंड, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, इफ शेयर मेरे पास मान लो किसी कंपनी का शेयर है लेकिन वो मेरा अकेले का नहीं है, ज्वाइंट ओनर है, मैं हूँ, मेरे भाई बहन सबके उस सबको उस कंपनी का ज्वाइंट हम लोग ओनर्स उस कंपनी के, ठीक है, मैं किसी के परमिशन के बिना वो ओनर्स, मैं सबके परमिशन के बिना यहाँ पे नहीं, मैं सबके परमिशन की मर्जी से, सबके मर्जी से वो शेयर अपने पास रख रही हूँ. ओके, मैं किसी के परमिशन के बिना यहाँ पे शेयर किसी को सोल्ड कर दूँ, शेयर किसी और को सेल कर दे रही हूँ, देन वो जो बायर होगा जो मुझसे वो शेयर्स परचेज कर रहा होगा वो उसका गुड टाइटल एक्वायर करेगा, बिकॉज मैंने मेरे पास जो उसका पोजिशन था वो सबकी मर्जी से था, आई नो, लेकिन मैं यहाँ पे किसी के मर्जी के बिना वो सेल कर दूँ, लेकिन यहाँ पे बायर का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट मेरा होगा या फिर मेरे पार्टनर्स का होगा, यहाँ पे जो बायर का होगा बायर गुड बेटर टाइटल एक्वायर करेगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल जो मैंने बोला, प्लीज 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 आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ये थोड़ी से अच्छा है ये एग्जाम्पल याद रखने का इस कंसेप्ट को. इफ वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ द देम, इफ वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर्स, मतलब बहुत सारे ज्वाइंट ओनर्स है किसी एक चीज के, ठीक है, बाय परमिशन ऑफ द को ओनर्स, वो सबके परमिशन से द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर टू द एनी पर्सन, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट,
इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स किसी गुड्स के एंड सोल पोजीशन ऑफ देम, वो सोल पोजीशन रखा हुआ है सबके परमिशन से, लेकिन किसी के परमिशन के बिना वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना है किसी और के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर इज नॉट ऑथोरिटी टू सेल, यहाँ पे उसको ऑथोरिटी नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ, जो बायर था, एनी पर्सन जो हु बाई, जो खरीदा, उसके पास वो गुड फेथ में उसे किया, तो उसको वो गुड फेथ मिलेगा, उसको अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया मैं उसे लिखती हूँ, आप भी उससे अपने पापा में पूछ लेना। मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे पार्टनर्स है, ओके, ये मैं, ये मेरे पार्टनर्स थी, हम लोग किसी कंपनी के शेयर लिए हुए, ओके, हमारे पास 30 शेयर्स ज्वाइंट में, मुझे तीनों ज्वाइंट लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा आया जेड, ठीक है, मेरे पास ये 30 की 30 शेयर इस तीनों के परमिशन से, ए के पास सोल पोजीशन से पे, ओके, ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ पे ये हुआ, सेकंड विदाउट किसी के परमिशन से, ठीक है, मैं सेल कर दे रही इसको जेड को अपना शेयर 30 की 30 सेल कर दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा था कि हाँ मैं जितने से कर दी उससे हायर रेट में मुझे पे कर रहा था, तो मैं 30 बेस कर दी। यहाँ पे जेड क्या करेगा, बैटर टाइटल एक्वायर करेगा, ठीक है, चाहे मैंने, मेरे पास अथॉरिटी नहीं था सेल करने का, ठीक है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं था तब भी मैंने सेल किया विदाउट किसी के परमिशन से सेल किया, एंड जेड को इस बारे में नहीं पता था कि मुझे अथॉरिटी नहीं है, उसे लगा कि मैं ओनर हूँ, तो उसने मुझसे खरीद लिया, वो गुड फेथ में खरीदा, इसने मुझसे गुड फेथ में खरीदा, तो देन ही इज अ एक्वायर्ड बेटर टाइटल, बेटर नहीं गुड टाइटल। थर्ड केस है सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्टेक्ट, जैसे हमने देखा है वॉइडेबल कॉन्टेक्ट में, पहले मैं वॉइडेबल कॉन्टेक्ट को थोड़ा पर बताती हूँ, वॉइडेबल कॉन्टेक्ट में मान लो कि हम किसी से कमिटेड किसी क्वेश्चन से या अंडर इन्फ्लुएंस से या किसी फ्रॉड से किसी से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीका से प्रोडक्ट ले रहे हो, लेकिन वो वॉइडेबल होगा, जैसे वॉइडेबल तो पांच ही केस होता है, क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस ये सब, ठीक है, उस कंडीशन में मैं किसी से गुड्स ले रही और उसने अपना राइट को बेटर एक रिजनेबल टाइम में नहीं एक्वायर किया कि उसने मुझे दे दिया, ठीक है, लेकिन अब उस मेरा पोजीशन है उसके पास, अब मैं किसी उस गुड्स को सेल करूंगी, एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं, इसको बी है, क्यू है, इसके पास कार है, ओके, ये इसके बोल रहा है कि मुझे कार दो, मुझे कार दो 1 लाख में, आपकी एक कार है इसका वर्थ है 5 लाख, ओके, ये बोला है 1 लाख दो वरना मैं तुम्हें किल कर दूंगा, मार दूंगा बंदूक में, गन पॉइंट पे रख के इससे कार ले रहा है 1 लाख में, ही उसको दे भी दे रहा है 1 लाख में, ये 1 लाख इसको दे रहा है पी, और ये इसकी तरफ से जा रहा है कार, इसकी तरफ से क्या जा रहा है 1 लाख, इसकी तरफ से जा रहा है कार, लेकिन ये वॉइडेबल है बिकॉज ये गन पॉइंट पे किल करने का धमकी लेके इससे कार लिया जो कि 5 लाख का कार था, ओके, अब क्यू कुछ भी नहीं किया, कोई क्यू यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में जाके रिजाइन कर देता कि कोर्ट करता कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, इसको बहुत कुछ सारा मिल जाता, जो बेनिफिट था 1 लाख इसको देना पड़ता है, कार उसको वापस मिल जाता, बट क्यू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्यू ने फर्स्टली अपने राइट को इग्नोर किया, अपने राइट को नहीं यूज किया, ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने के लिए। ओके ठीक है, अब पी के पास है, अब पी के पास आ गया कार, ठीक है, पी अब बचा पी, पी के पास अब कार हो गया। अब पी किसी और को, आर को सेल, ये कार सेल कर रहा है, ठीक है, 5 लाख में, ठीक है, पी आर के पास से कार सेल कर रहा है 5 लाख में, तो आर यहाँ पे बायर हुआ। पी को, आर को पी के बारे में कुछ भी नहीं था, ठीक है, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं था कि ये उसने क्वेश्चन से किया था अपने पास कार, तो आर की कोई नोटिस था, आर से कार ले रहे हैं, ठीक है, ये इसको कार दे रहे हैं। आर यहाँ पे, आर का ये टाइटल होगा यहाँ पे, ये गुड टाइटल एक्वायर करेगा यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे टोटल एग्जांपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। पी क्यू से लिया, पी अवॉइडेबल था, क्यू ने कुछ नहीं किया, अपने राइट को छोड़ दिया, क्यू ने अपने राइट को इग्नोर किया, यूज नहीं किया कॉन्टेक्ट अवॉइडेबल कराने के लिए, क्यू ने, पी ने आर को यहाँ पे ये सेलर था, ये बायर के यहाँ पे मैंने गुंडा था, जस्ट एक गुंडा ही हुआ, आर एक आर बायर यहाँ पे सेलर बन गया। ओके, अब सब बैटर लटर हुआ, यही बोल रहे हैं। ओके, कि सेल बाय पर्सन इन पोजीशन तो है उसके पास, लेकिन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको यही नोटिस नहीं था यहाँ पे हमारे एग्जांपल में, आर को इस बात का कोई नोटिस नहीं था। ए बायर एक्वायर गुड टाइटल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बायर यहाँ पे आर गुड टाइटल एक्वायर करेगा जब सेलर जाएगा, हुआ ऑप्शन यहाँ पे आर, यहाँ पे हमारा सेलर कौन हो गया, पी, पी जिसने पोजीशन कहाँ से लिया था, अंडर अवॉइडेबल ऑन ग्राउंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन और अंडर इन्फ्लुएंस प्रोवाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिजाइन्ड अंटिल द टाइम ऑफ द सेल। ओके, इस तरह इस थ्योरी को कितना इजी हो गया समझना, हमने एग्जाम्पल समझ गया, तो ऐसे फोर को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इज पोर्शन रेयर ऑफ, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, ऐसे पर्सन से हम लोग गुड्स को परचेज कर ले जो ऑलरेडी एक बार गुड्स को सोल्ड कर चुका है बट पोजिशन उसके पास है। ऐसा रीसेल का भी हो सकता है कि मान लो उसको रीसेल करना है, वो बाहर पैसा नहीं दे रहा है, तब भी हो सकता है। अनपेड सेलर में भी सेम यही केस आ रहा है, सेल बाय अनपेड सेलर आप बोल रहे हैं, इफ ए पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू पोजिशन इन देम और डॉक्यूमेंट टाइटल टू देम, ही मे सेल देम टू ए थर्ड पर्सन एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ, यहाँ पे विदाउट नोटिस, उसको कुछ पता नहीं है, गुड विश्वास के साथ वो खरीद रहा है, उसे प्रीवियस से कुछ भी जानकारी नहीं है, ही वुड हैव गुड टाइटल, ही वुड हैव गुड टाइटल टू देम, ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द फर्स्ट बायर अर्लियर, ए पेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय द सेलर इन द पोजिशन ऑफ एक्वायर्ड वैलिड ही होगा। ओके, यहाँ पे हम किसी, देखो यहाँ पे एक बंदे ने ऑलरेडी सेल कर चुका है लेकिन पोजिशन उसके पास है, लेकिन वो उसके पास कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, एग्जाम्पल ठीक है, एक्स है, वाई है, ये सेलर है, इसके पास कुछ फ्रूट्स है, इसने वाई को सेल कर दिया, ठीक है, वाई इसका फर्स्ट बायर है, कर दिया, लेकिन पोजीशन क्या हुआ, बस ओनरशिप ट्रांसफर किया, लेकिन यहाँ पे इसका पोजीशन नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, पोजीशन नहीं ट्रांसफर हुआ, ठीक है, उसी के पास है। फिर क्या कर रहा है, सेकंड केस में एक्स जेड को सेम फ्रूट्स सेल कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसको ओनरशिप भी सही मिल जाएगा, पोजीशनशिप भी दे दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे गुड टाइटल एक्वायर करेगा बिकॉज इसको कोई नोटिस भी नहीं था, इसके पास से कोई नोटिस भी नहीं, इसको
प्रीवियस सेल, उसको कोई नॉलेज नहीं था, ही डज नॉट नो अबाउट प्रीवियस सेल. ठीक है, तो देन यहाँ पे वो गुड टाइटल एक्वायर करेगा. ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे गुड टाइटल एक्वायर करेगा. ओके, ये केस बस सही बोलते हैं. देन थर्ड फिफ्थ है, सेल बाय अ सेलर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड टू हिम. सेल बाय बायर, बायर के द्वारा सेल हो रहा है, वो उसने पोजीशन ऑब्टेन कर लिया था लेकिन प्रॉपर्टी इसके पास अभी तक नहीं था. देखो जहां पे एक केस है, यहाँ पे एक और फिफ्थ नंबर का केस चलो बताते हैं. एक्स वाई, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, इसको सेंड कर दिया है पोजीशन ऑनली, बट ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है. पोजीशन हो गया, ओनर से ट्रांसफर नहीं हुआ. ओके, वाई क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है जेड को. ठीक है, वाई जेड को तो सेल कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर की मर्जी से, यहाँ पे सेलर का कंसेंट था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेयर ए बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, यहाँ पे सेलर का बोले ना, वेयर द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑफ्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिफोर द प्रॉपर्टी इन देम हैज पास्ड टू. बस वो पोजीशन अपने पास रख रहा है, वो भी सेलर की कंसेंट से. ठीक है, ही मे सेल प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज ऑल द गुड्स टू थर्ड पर्सन. वो सेल कर दे रहा है, प्लेज कर रहा है, कुछ भी डिस्पोज कर रहा है गुड्स को थर्ड पर्सन को. एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन गुड फेथ, अब वो पर्सन डिलीवरी ऑब्टेन कर रहे हैं इन गुड फेथ में विदाउट नोटिस ऑफ द लीन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, ही वुड गेट अ गुड टाइटल. अरे बायर का कोई गलती नहीं, बायर आराम से वो गुड टाइटल एक्वायर करेगा. However, a person in possession of the goods under a higher purchase agreement which gives him only an option to buy not covered. यहाँ पे ये higher purchase agreement नहीं cover होगा, यहाँ पे ये good title acquire करेगा. If यहाँ पे X ने Y को बेचा, Y ने set को बेचा, इसको ownership नहीं हुआ था, possession X के consent से मिला था. ऐसे कंसेंट से मिला था, यहाँ पे जेड को जब ये सेल करेगा उसको गुड टाइटल होगा विदाउट नोटिस. अबाउट द लीन इफेक्टिव स्टॉपल, वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी. इस केस को ना एग्जांपल से समझते हैं. इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, यहाँ पे यही एग्जाम्पल हम समझेंगे. ए है, बी है, सी है, बी बायर है, ई एंड सी साथ में खड़े हैं. ए ओनर नहीं है, एक हॉर्स है, इसका ओनर सी है, बट ए बी को बोल रहा है आई एम द ओनर ऑफ दिस हॉर्स, कि मैं इस हॉर्स का ओनर हूँ एंड उसको सेल कर रहा है. ओके, सी वहां पे प्रेजेंट है, सी ने नथिंग, सी ने कुछ नहीं बोला इस बारे में, सी ऑलरेडी कुछ नहीं बोल रहा था, इसका मतलब किसी का कंसेंट है. ठीक है, किसी के भी थ्रू लेके बिक रहा है, तो यहाँ पे बायर है, बेटर टाइटल एक्वायर करेगा, बस यही बोल रहा है ये. बस यही बोल रहा है कि when the owner is stopped by the conduct from denying the seller authority to sell, the transferee will get a good title to against the true owner. But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner has actively suffered and held out the other person, causing the true owner as a person right to sell the goods. यहाँ पे A said to be a buyer in the presence of C that he is the owner of the horse, but C remains silent through the horse belonging to him. कुछ नहीं बोल रहा C. B bought the person from him. B ने A से horse bought कर लिया and here the buyer B will be the get a valid title. Now valid title get करेगा horse even through the seller A had not identified the horse. अब कि वो A का नहीं था तब भी. Okay? Sell by unpaid seller. हमने आगे वाले chapter में unpaid seller ही है. Unit 4 unpaid seller के ही बारे में बात कर रहा है. इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कुछ right है seller के पास lien के. Stoppage of lien है, फिर से lien है,
स्टॉपेज अंडर ट्रांजिट है, इन है, रीसेल है, ये सब कुछ राइट्स है अनपेड सेलर को। तो यहाँ पे जब अनपेड सेलर के रीसेल का राइट है कि इफ उसको मान लो वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, मान लो उसे सेल कर दिया, पोजिशन ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसे पोजिशन है उसके पास, लेकिन वो ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है एंड उसे अभी तक उसका पैसा नहीं मिला, पेड नहीं, तो क्या कर सकता है कि वो अपने सेल को, अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है, किसी और के पास बेच सकता है। बायर जो है, जो खरीदेगा उससे, वो भी उससे गुड टाइटल ही एक्वायर करेगा, वो भी उस गुड्स का खरीदने के बाद ओनर बन जाएगा। यहीं पे ये बोल रहा है, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन एंड द स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स, ठीक है, द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, ओरिजिनल बायर अगेंस्ट वो गुड टाइटल एक्वायर करेगा जहां सेलर के पास राइट ऑफ लीन था स्टॉपेज इन ट्रांजिट था। ओके, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, मान लो सेल हो रहा है कुछ अदर एक्ट, मान लो सेल बाई द ऑफिसर रिसीवर, मान लो ऑक्शन के थ्रू सेल हो रहा है तब भी वो गुड टाइटल बायर एक्वायर करेगा। तो मान लो परचेज ऑफ गुड्स फाउंडर, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़े थे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फाइंडर ऑफ द गुड्स, मान लो किसी गुड्स को फाइंड, वो किसी गुड्स को मिल रहा है, किसी पर्सन को कोई गुड्स मिल रहा है लेकिन उसका रियल ओनर नहीं मिल रहा है, वो किसी और को भेज दे रहा है, तो वो भी बायर वो गुड टाइटल एक्वायर करेगा। इस सेल बाय पौनी कैन मनी गुड टाइटल, इस सेल बाय पौनी के द्वारा भी वो गुड टाइटल ही कन्वे करने वाला है। ओके, लास्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड यूनिट 4 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दीपक स्टडी खजाना। एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज कमेंट करें कि आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड फॉर योर कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।